अस्सलाम वालेकुम टू ऑल इकोनॉमिक लवर्स। आज के लेक्चर में हम देखेंगे बेसिकली कि जीडीपी क्या होता है। जीडीपी किसी भी जो इकोनॉमी होती है उसकी हेल्थ को देखने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर जो है वो उसकी जीडीपी होती है। ठीक है, जब भी किसी ने किसी भी दूसरी इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्ट करना हो या फिर उसको विजिट करना हो तो हम उसका जीडीपी इंडिकेटर जो है सबसे पहले देखते हैं कि उस इकोनॉमी की हेल्थ कैसी है। बेसिकली उस इकोनॉमी के इंडिकेटर्स जो हैं वो क्या फिगर्स शो करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। जीडीपी बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट गॉज है ऑफ ओवरऑल हेल्थ ऑफ द इकॉनमी। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है जो कि ओवरऑल हेल्थ ऑफ द इकॉनमी को बताती है। ठीक है, अगर हम फॉर एग्जांपल डेली रूटीन अपनी एक्टिविटीज़ की बात करें तो सुबह उठकर अर्ली इन द मॉर्निंग हम जो एक चाय का कप पीते हैं, ठीक है, सो उस चाय के कप की जो वर्थ है क्या हम उसको जीडीपी के अंदर या इकॉनमी ओवरऑल इकॉनमिक जो हमारी हेल्थ है उसके अंदर किस तरीके से इंक्लूड करवाते हैं, या वो जो शॉप सेलर है, जो प्रोड्यूसर है, टी मेकर है, ठीक है, उसकी सैलरी या फिर जो टी मेकिंग मशीन है, ठीक है, वो एज अ कैपिटल काम कर रही है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसकी वर्थ क्या है उस मशीन की, ठीक है, और उसकी वियर एंड टीयर कॉस्ट या उसकी डेप्रिसिएशन कॉस्ट जो है वो सारी भी जीडीपी के अंदर इंक्लूड होती हैं। ठीक है, सो जीडीपी को हम इम्पॉर्टेंट गॉज कहते हैं ऑफ द ओवरऑल हेल्थ ऑफ द इकॉनमी। ये एक कंप्लीट इंडिकेटर है, एक किसी भी इकॉनमी की हेल्थ को अगर हमने देखना हो, किसी भी इकॉनमी की परफॉर्मेंस को चेक करना हो तो हम उसके जीडीपी के ट्रेंड को चेक करते हैं या जीडीपी ग्रोथ रेट्स को चेक करते हैं कि क्या उसका ट्रेंड है जीडीपी की ग्रोथ का। जीडीपी बेसिकली स्टैंड फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, इट मेजर्स द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द कंट्री। बेसिकली जीडीपी जो है वो क्या मेजर करता है, गुड्स एंड वैल्यूज की, जो गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं इकोनॉमी के अंदर उनकी करंटली प्रोड्यूस, जो जिस ईयर की जीडीपी आप मेजर कर रहे होते हैं, ठीक है, उस ईयर के अंदर उन गुड्स और सर्विसेज की जो वैल्यू होती है उनको बेसिकली हम मेजर करते हैं। ठीक है, और विद इन द बाउंड्री ऑफ दैट कंट्री। ठीक है, वो जो गुड्स एंड सर्विसेज वो कंट्री प्रोड्यूस कर रही हो लेकिन वो उस कंट्री की बाउंड्री के अंदर प्रोड्यूस हो रही हो चीज़ें, वो आउट ऑफ द बाउंड्री प्रोड्यूस ना हो रही हो। आउट ऑफ द बाउंड्री भी किसी कंट्री के जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो आउट ऑफ द कंट्री भी काम कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की लेबर फोर्स जो है वो किसी दूसरी कंट्री में जाकर अगर काम करती है तो वो जो इनकम जनरेट करेगी वो हमारी जीडीपी के अंदर इंक्लूड नहीं होगी। बेशक वो हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो कैपिटल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो पाकिस्तान का ही होगा लेकिन वो किसी और कंट्री में जाकर अपनी सर्विसेज दे रही होगी, तो वो उस कंट्री की, जिस कंट्री में जाके फॉर एग्जांपल सऊदी अरब में अगर कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है तो वो उस कंट्री की जीडीपी के अंदर उसकी इनकम इंक्लूड होगी क्योंकि वो वहां पे अपनी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। अगर दुनिया के डिफरेंट ममालिक की जीडीपी देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स यानी यूएस की जो जीडीपी है वो 2019 में 21.43 ट्रिलियन डॉलर्स थी। ठीक है, इसी तरह अगर इंडिया की देखें तो 2.88 ट्रिलियन डॉलर्स, चाइना 14.34 ट्रिलियन डॉलर्स, ठीक है, जर्मनी 3.85 ट्रिलियन डॉलर्स, यूनाइटेड किंगडम 2.83 ट्रिलियन डॉलर्स, ठीक है, साउथ कोरिया की अगर देखें तो 1.64 ट्रिलियन डॉलर्स, और डिफरेंट इकोनॉमीज की अगर हम देखते जाएं तो हमें डिफरेंट जीडीपी के लेवल जो हैं मिलते हैं। तो इसका मतलब है कि जीडीपी एक यूनिवर्सल मेजर है जो कि हर कंट्री अपनी मेजर करता है, ठीक है, अपने इंडिकेटर्स की बेस के ऊपर मेजर करता है और वो उसकी इकोनॉमिक हेल्थ को डिफाइन करते हैं जीडीपी को। अब ये जो हमारे पास मेजर्स आई, ये सारी फिगर्स आई, ये कैसे आई, किस तरह से जीडीपी को हमने कैलकुलेट किया, ठीक है, जीडीपी जो करंट ईयर की जीडीपी होती है वो बेसिकली चार चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, करंट ईयर की कंजप्शन, करंट ईयर की इन्वेस्टमेंट, करंट ईयर की गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स और करंट ईयर की नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, इन सबको मिला के करंट हमारी जो जीडीपी है वो उसकी वैल्यू बन रही होती है। सो हम कह सकते हैं बेसिकली चार इंडिकेटर्स हैं या चार फैक्टर्स हैं जो कि जीडीपी के अंदर इंक्लूड होते हैं, जो कि पहला है कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और साथ साथ एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। ठीक है, जीडीपी का अगर फॉर्मूला देखें तो कंजप्शन में पर्सनल और पब्लिक कंजप्शन दोनों चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, फिर गवर्नमेंट
स्पेंडिंग्स जो हैं, गवर्नमेंट जो हमारे पे टैक्स, गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्ट करती है थ्रू टैक्सेस, और फिर उसके बाद उन टैक्सेस को पब्लिक की वेलफेयर के लिए बेसिकली जो है वो स्पेंड किया जाता है, तो वो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स होते हैं, ठीक है, वो एक्सपेंडिचर सारे, और साथ साथ पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये तीनों चीज़ें तो जो है वो आ रही होती हैं। इसके साथ जो नेट ट्रेड है या बैलेंस जो हमारा ओवरऑल ट्रेड होती है, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, ठीक है, जो कंट्री की करंट अकाउंट के अंदर आ रही होती हैं, उनको भी हम जीडीपी के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो ये सारी वैल्यूज को जब हम ऐड अप करते हैं तो हमें एक जो ओवरऑल फिगर मिलती है वो हमें हमारी जीडीपी की वैल्यू बताती है। सो इसकी जो इक्वेशन है वो होती है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ठीक है। अच्छा, अब जीडीपी को मैयर तीन तरीके से किया जाता है, ठीक है, इसके प्रोडक्ट अप्रोच से भी मैयर किया जाता है, इसको इनकम अप्रोच से मैयर किया जाता है, और भी डिफरेंट तरीके हैं इनको जीडीपी को बेसिकली मैयर करने के, ठीक है, और एक एक्सपेंडिचर अप्रोच से भी हम इसको मैयर करते हैं। बेसिकली जो वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्डाइज जो तरीके हैं वो तीन तरीके हैं जिनके थ्रू हम जीडीपी को मैयर करते हैं, ठीक है, उनको हम लेटर ऑन एक्सप्लेन करेंगे डिफरेंट वीडियोस के अंदर, हर जो हमारा वे ऑफ मैयरिंग जीडीपी है, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं जीडीपी के अंदर हम कह रहे हैं कि ओवरऑल जो गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड होती हैं इकोनॉमी के अंदर या प्रोड्यूस हो रही हैं गिवन पीरियड ऑफ टाइम में उनकी करंट प्राइस के अकॉर्डिंगली, ठीक है, तो हम उनको इंक्लूड करवाते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो करंट जीडीपी के अंदर इंक्लूड नहीं होती, ठीक है, हम उनको भी देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि जीडीपी की वैल्यू के अंदर इंक्लूड नहीं की जाती। फॉर एग्जाम्पल वॉलंटियर सर्विसेज, चाइल्ड केयर फैसिलिटीज, ठीक है, या होम मेकिंग सर्विसेज जो कि फीमेल्स प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, उन सर्विसेज को जो कि अनपेड होती हैं वो हम जीडीपी की वैल्यू के अंदर ऐड नहीं करवाते। या जो हेल्पर्स होती हैं, ठीक है, हाउसेज के अंदर जो काम कर रही होती हैं, अपनी सर्विसेज दे रही होती हैं, बेशक वो पेड जॉब्स कर रही होती हैं, लेकिन हम उनकी सर्विसेज को भी जीडीपी के अंदर इंक्लूड नहीं करवाते। इसी तरह वेलबींग ऑफ द इकॉनमी, यानी इनकम इनइक्वालिटी जो है इकॉनमी के अंदर, फॉर एग्जाम्पल किसी कंट्री के जीडीपी की वैल्यू तो बहुत ज़्यादा हो लेकिन उस कंट्री की इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा हो, यानी रिच और जो पुअर का गैप है वो बहुत वाइडन हो, तो हम कह सकते हैं कि जो ये अब जो वाइडन गैप है उसको जीडीपी बेसिकली कैप्चर नहीं करता। जीडीपी उस कंट्री की हेल्थ तो अच्छी बताएगा इंडिकेटर, क्योंकि जीडीपी अगर ज़्यादा है तो इंडिकेटर तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये मैयर नहीं कर सकता कि वेल बींग वहाँ पर कितनी ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। फिर किसी भी कंट्री की इन्वायरमेंट जो है वो जीडीपी कैप्चर नहीं करता, ठीक है, कि पोल्यूशन जो पोल्यूटेंट्स कितने हैं, ठीक है, उसकी इन्वायरमेंट ओवरऑल जो है उसको हम मैयर, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी जो है उसको मैयर नहीं कर सकते। और लास्टली हम जो है हैप्पीनेस या क्वालिटी ऑफ लाइफ को जीडीपी के अंदर मैयर नहीं कर सकते, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो जीडीपी के इंडिकेटर्स के अंदर इंक्लूड नहीं होती। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। हैप्पी लर्निंग।